सोलो सिकोआ, क्यों तुझे क्या लगा कि तू मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा? जब मैं एक ब्लड लाइन बनाकर उसे खत्म कर सकता हूँ तो क्या मैं अपनी नई ब्लड लाइन बना नहीं सकता? ये जिसे तू देख रहा है वो बिल्कुल तेरी तरह है, लेकिन सिर्फ दिखने में। फाइट के मामले में ये तेरा भी बाप है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को क्रिएट करने में पूरे 2 दिन की मेहनत लगी है, तो रिक्वेस्ट है कंप्लीट नहीं तो पर थोड़ी देर वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लगती है तो आगे कंटिन्यू करना, वरना कट कर देना। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था समर स्लैम के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉल हेमन ने किस तरह से एक्सप्लेन करके बताया कि आखिर क्यों जिमी उसो ने जे उसो को धोखा दिया। लेकिन अभी और बातें सामने आई है न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स को लेकर। कुछ टाइम पहले ब्लड लाइन ये थी, रोमन रेंस को लगा कि सैमी जेन उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, फिर इसके बाद सबसे पहले वे गए ब्लड लाइन से। फिर सैमी के ब्लड लाइन से चले जाने के बाद ब्लड लाइन कुछ ऐसी दिखने लगी, लेकिन फिर उसोस को लगा कि रोमन रेंस उनके साथ डिसबिहेव कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने भी ब्लड लाइन को छोड़ दिया। देन फिर ब्लड लाइन में ये 3 बंदे बचे, रोमन रेंस, पॉल हेमन और सोलो सिकोआ। लेकिन फिर समर स्लैम में कुछ ऐसा होता है, रोमन रेंस जे उसो को स्पेयर लगाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेयर सोलो सिकोआ को लग जाता है। रोमन को लगा कि सोलो ये समझ गया होगा कि ये चीज बाय द मिस्टेक हुई, जिसके बाद वो सोलो से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, पर सोलो सिकोआ रोमन की हेल्प करने से साफ मना कर देते हैं। वे रोमन रेंस के स्पेयर को सीरियस लेके उन पे गुस्सा करने लगते हैं। अब समर स्लैम खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सोलो सिकोआ अभी भी रोमन रेंस से नाखुश हैं। ऐसे में गाइस वे भी ब्लड लाइन को छोड़ देंगे, ये पूरा पूरी चांस है। तो इसके बाद अब तो रोमन रेंस अकेले पड़ जाएंगे। देन गाइस फाइनली ये होगा ब्लड लाइन का कंप्लीट एंड। हाँ गाइस, यही बात मीडिया वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉल हेमन से पूछा, और वो ये भी पूछते हैं कि इस टाइम ब्लड लाइन की स्टोरी में हम किस इनिंग में है, क्या ये ब्लड लाइन का आखिरी इनिंग चल रहा है? तो आंसर करते हुए पॉल हेमन कहते हैं कि बॉटम ऑफ द 3rd, मीन्स तीसरे से भी नीचे। इफ यू डोंट वॉच बेसबॉल द गेम्स लास्ट 9 इनिंग, यदि आप बेसबॉल नहीं देखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि खेल 9 पारियों तक चलता है। गाइस आप लोग समझे, पॉल हेमन के कहने का ये क्लियर मतलब है कि ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो अभी स्टिल अर्ली स्टेज में ही है। आगे पॉल कहते हैं कि देयर्स अ लॉट मोर कमिंग विद दिस स्टोरी लाइन, यानी ये तो आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं, इस कहानी के साथ और भी बहुत कुछ अभी आना बाकी है। समोअन डायनेस्टी के और भी जो बंदे हैं वो आगे आएंगे ब्लड लाइन में, ये भी गाइस पॉल हेमन का ही कहना है। WWE के ग्रेट सुपरस्टार उमागा, उनका बेटा जिला फाटू WWE में आने के लिए और स्पेशली ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के लिए काफी एक्साइटेड है। उमागा गाइस, अगर आप लोगों में से कोई इन्हें नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, समोअन स्पाइक को तो आप जानते ही हैं, जो कि हमारे स्ट्रीट चैंपियन सोलो सिकोआ का फिनिशर मूव है। वो गाइस एक्चुअल में सोलो सिकोआ के अंकल उमागा का फिनिशर मूव हुआ करता था। वैसे मुझे पता है आप लोग जानते होंगे उमागा को। तो गाइस ये सुपरस्टार जिला फाटू उनका ही अपना इकलौता बेटा है, जिनका स्टाइल गाइस काफी हद तक सोलो सिकोआ से मैच करता है। जिला फाटू ने प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना करियर बनाने का सोचा है, और ऑब्वियसली उनका मेन गोल WWE में एक बड़ा सुपरस्टार बनने का होगा अपने बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह। और गाइस पता है वो WWE हॉल ऑफ फेमर बुकर टी से ट्रेन हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले गाइस उनका डेब्यू मैच था और उन्होंने क्या फाइट की है, ये गाइस आप लोग खुद देख लो ये किस लेवल का सुपरस्टार है। अपने डैड की तरह इनका भी फिनिशर मूव समोअन स्पाइक है, लेकिन इनके इस फिनिशर मूव को सुपर समोअन स्पाइक कहा जाता है। ये तो गाइस आप लोगों ने देखा ही ना किस तरह से उन्होंने अपने ओपोनेंट को पहले एक हाथ से उठाया, फिर उन्हें समोअन स्पाइक लगाया। वे WWE में आने के लिए और ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के लिए कितने उतावले हैं वो ये चीज बताती है। मैच से पहले गाइस और मैच के बाद उन्होंने रोमन रेंस के वी द वंस वाले जेस्टर का यूज किया। अगर गाइस मैं आप लोगों को रोमन और जिला फाटू के रिलेशन के बारे में बताऊं तो जिस तरह से रोमन रेंस उसोज और सोलो सिकोआ के अंकल है, हाँ गाइस उसोज और सोलो सिकोआ रोमन रेंस के भतीजे हैं। रिकी सी कह लो या उमागा, वे रोमन रेंस के भाई हैं। अब WWE उसोज और सोलो सिकोआ को रोमन का कजन ब्रदर इसलिए बताते हैं क्योंकि गाइस रोमन रेंस भले ही रिलेशन में उनके अंकल हैं, क्योंकि इनकी एज लगभग सेम है, बस 2-3 साल का डिफरेंस होगा। तो गाइस यही रीजन है कि WWE इन्हें कजन ब्रदर बताते हैं। अब ऐसे में अगर जिला फाटू भी WWE में आते हैं, हाँ लेकिन उनकी एज रोमन से काफी कम है, पर WWE तो उन्हें कजन ब्रदर ही बताएंगे। तो गाइस जैसा कि पॉल हेमन ने कहा कि ब्लड लाइन की स्टोरी अभी काफी लंबी चलने वाली है,
समोअन डायनेस्टी के बाकी मेंबर्स भी रोमन रेंस को ज्वाइन करेंगे और अभी जिस तरह की कंडीशन है ऐसे में रोमन रेंस को उनकी काफी जरूरत है। तो गाइस कमेंट में अगर आप सभी लोग पार्ट टू लिखते हो तो बहुत जल्द आप लोगों को एक और कमाल का वीडियो मिलेगा जो इस बात को और ज्यादा क्लियर करेगा विथ न्यू सरप्राइजिंग फैक्टर। थैंक यू।